ऑलराइट, तो आज का ये वीडियो मेरे ख्याल से मेरा एक बहुत ही फेवरेट वीडियो होने वाला है। आज का ये वीडियो मेरे ख्याल से आप सबके काफ़ी काम आने वाले हैं, क्योंकि देखो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जो करिज्मा या फिर बॉडी लैंग्वेज की जब बात आती है, दीज थिंग्स आर वेरी इंट्रेंसिक टू अ मैन। ये मेरे हिसाब से सारे लड़कों को, सारे मर्दों को पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। लेकिन होता क्या, हम सबकी अपब्रिंगिंग सेम नहीं होती, हम सबका सोशल सर्कल सेम नहीं होता, हम सबके थॉट प्रोसेस और हम सबका जो एक लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव है वो सेम नहीं होता। एंड फॉर दिस वेरी रीजन वी ऑल आर इन द सेम। हम सब की पर्सपेक्टिव सेम नहीं है, हम सब अपने आप में कमाल है, लेकिन हम सब की पर्सनालिटी भी थोड़ी अलग, थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी स्पेसिफिक है हमारे नीड से। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद चार या पांच मेरे ख्याल से ऐसे कमाल बॉडी लैंग्वेज या मैस्कुलिन पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो एक इंसान को, एक मर्द को, एक लड़के को ज़रूर पता होना चाहिए, ज़रूर मालूम होना चाहिए, और इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब कौन से हैं वो ट्रेड्स, क्या है ये टिप्स, विल डिस्कस ऑल अबाउट इट इन आज का मेंस एसेंशियल्स हिंदी वीडियो। चलो फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, आदि है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स शो द इंट्रो। देखो, सबसे पहली बात जो आपको समझना पड़ेगा, जो आपको याद रखना पड़ेगा और जो आप कभी भी नहीं भूल सकते, वो है कि एक पर्सनालिटी जो होता है हर एक इंसान का, वो एक ओवरग्रोइंग, ओवर इवॉल्विंग और नेवर चेंजिंग चीज़ है। अगर आपकी एक पर्सनालिटी है आज, चांसेस आर आज के 3-4 महीने बाद आपकी पर्सनालिटी थोड़ी बदल जाएगी, अगर आप अपने लाइफ में कुछ अलग कर रहे हो तो। अगर आप एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पे हो, अगर आप एक सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस में हो, तो आपकी पर्सनालिटी ठीक आपके साथ साथ बदलने वाली है हर दिन। क्योंकि देखो, कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, लॉजिक बड़ा आसान है। अगर आप कल या एक महीने बाद अपने आज से बेहतर बनने वाले हो, तो उस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी भी बेहतर होने वाली है। हाँ, कुछ कोर वैल्यूज आपके रह जाएंगे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर ओन डेली प्रोग्रेस दैट यू हैव इन योर लाइफ। तो यही मान के मत चलो कि भाई आज जो मेरी पर्सनालिटी है, अगर आज मैं ऐसा अजीब सा बंदा हूँ तो कल भी मैं ऐसा अजीब सा बंदा होने वाला हूँ, क्योंकि दीज थिंग्स आर वेरी इवॉल्विंग एंड दीज थिंग्स कैन बी टेम्पर्ड एंड चेंज एंड मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल नीड्स। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद चार ऐसे कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो मैं चाहूँगा आप अपने आप में रखें, और चार ऐसे कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो मैं चाहूँगा आप अपने लाइफ में थोड़ा इंप्लीमेंट करें। वेल, चलो बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहला, सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट, एक अच्छा सा स्माइल। अगर आपको किसी को स्माइल देने में प्रॉब्लम है, अगर आपको स्माइल करने में प्रॉब्लम है, देन यू आर जस्ट अस एंग्री सजेस्टिक एस। अब मैं नहीं चाहूँगा आप एक एंग्री सजेस्टिक इंसान बनो, मैं चाहूँगा आप एक खुश, अच्छे, सॉर्टेड, मेंटली अवेयर, मेंटली हैप्पी इंसान बनो। एंड फॉर दैट टू हैपन यू विल हैव टू एम्ब्रेस योर लाइफ। आपको अपने लाइफ से थोड़ी खुशी, आपको अपने लाइफ के प्रति थोड़ा ग्रैटिट्यूड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे जन हैं जिनको शायद आप जैसा लाइफ जीना है। वो दिन में 15-16 घंटा काम करते हैं जस्ट टू थिंक कि भाई मुझे आप जैसी लाइफ मिले, और आप वो लाइफ जी रहे हो। इसको हल्के में मत लो, इसको इतना आसानी से इग्नोर मत करो। प्लीज़ बी अ बिट मोर ग्रेटफुल अबाउट योर लाइफ। थोड़े अपने लाइफ के प्रति आभार, थोड़ा आभारी बनो लाइफ में, एंड हैव दैट जेन्युइन स्माइल ऑन योर फेस। जब भी जहाँ भी किसी से भी मिल रहे हो, हैव दैट स्माइल ऑन योर फेस कि यू आर एंजॉइंग लाइफ, यू आर हैविंग अ गुड टाइम इन योर लाइफ। अच्छा दिन हो, बुरा दिन हो, कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा हो, यू हैव लर्न समथिंग। सो थोड़ा आभार, थोड़ा सा जेन्युइन स्माइल, एंड स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर गॉड डैम लाइफ। जहाँ भी हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, एक थोड़ा सा जेन्युइन सा स्माइल अपने मुंह में कैरी करो, ताकि यू डोंट बी दैट क्रीपी गाय जिसको सबसे कुछ चाहिए होता है। यू आर जस्ट एंजॉइंग लाइफ, यू आर स्माइलिंग एंड लुकिंग एट, एंड इट्स ऑलवेज वेरी कम्फर्टिंग, इट्स ऑलवेज वेरी रिलैक्सिंग टू यू एज वेल। दूसरा कमाल अल्फा मेल पर्सनैलिटी ट्रेट जो मैं चाहूँगा आप अपने लाइफ में बहुत तेज इंप्लीमेंट करें, वो है आई कांटेक्ट। आपको अगर लोगों से आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम है, मतलब आप में थोड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही एंटी सोशल या इंट्रोवर्टेड इंसान हो। अब देखो, मैं भी एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे भी कुछ खास सोशलाइजिंग पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई नॉट प्रैक्टिस थिंग्स दैट आई एम नॉट गुड एट। अगर मुझे किसी से आई कॉन्टैक्ट नहीं करना, अगर मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ टू बी अ मोर कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, एंड वन ऑफ द ईजी स्टेप्स टू डू इट, अगर मुझे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो मुझे लोगों के आँखों में देख के बात करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जिससे भी मिल रहा हूँ, आई ट्राई टू हैव द आई कॉन्टैक्ट विथ एवरी वन अराउंड, क्योंकि दिस इज जस्ट हाउ अ मैन शुड बी वेन ही इज कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव एंड द ट्रू अल्फा इन अ लीडर। ही इज़ नॉट अफ्रेड टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट। अगर आप कॉन्फिडेंट इंसान हो, आपको किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये एक प्रोसेस है। अगर आप थोड़े ज़्यादा शाई हो, अगर आप थोड़े ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट इट कैन बी डन एंड आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट।
प्रैक्टिस। तीसरा कमाल मास्कुलिन पर्सनालिटी ट्रेट या बॉडी लैंग्वेज ट्रेट, आपका प्रॉपर पोस्चर, आप खड़े कैसे होते हो, आप बैठते कैसे हो और आप चलते कैसे हो। तीन इजी लॉजिक है, ध्यान से सुनो। वॉक विद अ पर्पस, स्टैंड टॉल एंड सिट स्ट्रेट। सिंपल, कुछ नहीं करना, कुछ सोचना नहीं, ज़्यादा कुछ फैल के वैल के, नो देर इज नो लॉजिक टू इट, इट्स जस्ट वेरी सिंपल नेचुरल, बट देन हैव अ प्रॉपर पोस्चर व्हाट एवर यू आर डूइंग। अगर आप कहीं जा रहे हो चल के, अगर आप ऐसे ही सुस्त चल रहे हो विदाउट अ पर्पस विदाउट एनी गोल, देन यू लुक लाइक द गाय हु हैज जस्ट लॉस्ट हिज लाइफ। लेकिन अगर आप यही वॉक यही चाल किसी पर्पस के साथ कि भाई मैं जा रहा हूँ नीचे टू द एटीएम, सो आई नो माय मिशन, आई नो माय गोल, आई एम गोइंग टू द एटीएम, आई एम वॉकिंग विद अ पर्पस एंड आई एम मेकिंग सम स्ट्रॉन्ग स्ट्राइड्स टू इट, इट विल चेंज द वे यू थिंक। ये आपकी सोच बदलेगी, ये लोगों की सोच बदलेगी आपके प्रति कि भाई ये बंदा तो कमाल कॉन्फिडेंट है, क्या चलता है, मतलब क्या ही चलता है। दैट्स द रीजन जेम्स बॉन्ड इज सो गुड विद हिज वॉक, क्योंकि जेम्स बॉन्ड द कैरेक्टर वॉक्स इट विद द पर्पस ऑफ टेकिंग एस। अगर आपको ये बात प्रैक्टिस करनी है, आप जाके बाहर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको खड़े होने में प्रॉब्लम है, देन यू कैन प्रैक्टिस स्टैंडिंग स्टिल, स्क्वेयरिंग अप योर फीट, चेस्ट अप एंड डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। एनीवे, तीसरा आसान सा टिप, बैठने के टाइम पे आपको अपना नॉर्मल न्यूट्रल स्पाइन के साथ, फैले वाले के नहीं, नॉर्मल जनरल कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट पोजिशन में बैठना है। इन सब चीज़ों को आपको अपने लाइफ में डेली प्रैक्टिस करनी है। लेकिन बताए सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टिप क्या, दैट कैन हेल्प यू, दैट कैन चेंज योर साइकोलॉजी बाय डूइंग सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अगर आप फिजिकली कुछ ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जो आपकी साइकोलॉजी बदल दे पर्सनालिटी के बारे में, कि लोग देख के ऐसा सोचने लगे कि भाई ये बंदा है क्या, मतलब क्या ही कमाल पर्सनालिटी है, देन इट वुड बी समथिंग एज सिंपल एज यू वर्किंग आउट, यू बीइंग इन अ डिसेंट शेप, जिम जाओ, अपनी एक डिसेंट सी फिजिक बनाओ, अपना ग्रूमिंग सेंस थोड़ा इंप्रूव करो, अपना स्किन केयर और ग्रूमिंग सेंस थोड़ा और प्रैक्टिकल और अट्रैक्टिव रखो, और तीसरा स्टाइल और फैशन पे थोड़ा काम करो। अब मैं कोई कमाल फैशन फॉरवर्ड इंसान हूँ नहीं, मैं कोई गुची के बेल्ट और लुई वुइटन का बैग नहीं कैरी करता, मुझे बस थोड़ी बहुत बेसिक समझ है स्टाइल और फैशन के बारे में, विच आई यूज एज अ टूल टू हेल्प मी ईज माई लाइफ। अगर मुझे मेरी पर्सनैलिटी को बाहर लाना है, और अगर ऐसे कुछ चीज़ें हैं जैसे फिटनेस हो गया या फिर फैशन या ग्रूमिंग हो गया दैट आई कैन यूज़ इन माई फेवर ताकि मेरी पर्सनैलिटी उभर के बाहर आए, तो मैं उसका यूज़ क्यों ना करूँ। दैट्स द रीज़न आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट, आई वॉन्ट यू टू बी योर मोस्ट स्टाइलिश, मोस्ट फिजिकली फिट एंड मोस्ट वेल ग्रूम्ड गाय। ट्राई करो, दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस विल हेल्प यू बी मोर कॉन्फिडेंट, एंड व्हेन यू आर मोर कॉन्फिडेंट यू विल वॉक लाइक अ कॉन्फिडेंट मैन, यू विल टॉक लाइक अ कॉन्फिडेंट मैन, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ बड़े आसानी से पोर्ट्रेट करेगी। 6-5 पता नहीं 4-5-6 चीज़ ऐसे कमाल चीज़ दैट कैन हेल्प यू बी अ मोर अट्रैक्टिव मैन, दैट कैन हेल्प यू हैव एन अमेजिंग पर्सनैलिटी एट द सेम टाइम। मिलता हूँ अगले में, ध्यान रखना, ख्याल रखना। मेरा नाम है मयंक आचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।